चलिए आज बनाते हैं बंगाल की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मिस्टी दोई की रेसिपी घर पर। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से मिस्टी दोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारी पैदे की एक कढ़ाई लेनी है और इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। जब आप दूध ऐड करेंगे ना कढ़ाई में, वो कढ़ाई के तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर ना 1.5 लीटर के करीब ये दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। अगर आप मिष्टी दोई घर पर बनाने का सोच रहे हैं ना, तो इसके लिए फुल फैट मिल्क का ही यूज़ करें। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है और दूध को अब हमें रिड्यूस करना है और ज़्यादा कम नहीं करना है, मतलब 25 से 30% ही कम करना है। और हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि दूध पर ना बिल्कुल भी मलाई नहीं आनी चाहिए। जैसा हम रबड़ी बनाते हैं या फिर खोया बनाते हैं और दूध पर मलाई आ जाती है ना, उस तरीके से इस पर बिल्कुल भी मलाई नहीं आनी चाहिए। तो दूध को आप बीच बीच में चलाते रहें और गैस को आप यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं हंकट, क्योंकि मिष्टी दोई बनाने के लिए गाढ़ा वाला जो दही होता है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है और उस पर चलनी रख दी है। और एक आप सूती कपड़ा ले लें और इस पर ना 5 बड़े चम्मच के करीब मैंने चलनी में दही ऐड कर दिया है। इस तरीके से जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना दही में, वो निकल जाएगा और हमें गाढ़ा जो दही है ना, वो मिल जाएगा। और अब इसे हम ढक कर के रख देते हैं। दही को आप आधा से पौना घंटे के लिए ढक कर के रख दें। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना है, मतलब दही जो आप यूज़ करोगे ना, वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब आप दूध देखिए, दूध काफ़ी कम हो चुका है, मतलब 30% के करीब दूध कम हो चुका है। तो इस स्टेज पर ना आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं या गैस की फ्लेम को लो कर लें बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ना, दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं आई है। चलिए तो अब करेंगे हम चीनी को कैरेमलाइज, क्योंकि जो मिष्टी दोई होता है ना, वो हल्का सा मीठा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और गैस की फ्लेम को ना आप बिल्कुल लो रखें। और अब इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना आधा कप के करीब चीनी ली है, लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब ये चीनी है। मतलब 1.5 लीटर दूध में 4 से 5 चम्मच चीनी जो है काफ़ी रहती है। अब आप देख सकते हैं चीनी को ना मैं इस तरीके से फैला करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, चीनी ना बहुत ही जल्दी कैरेमलाइज हो जाएगा। हमें ना इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, मतलब बिल्कुल भी चलाना नहीं है। इसी तरीके से गैस की फ्लेम को आप लो ही रखेंगे और चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना मेल्ट हो चुका है, अभी काफ़ी मेल्ट हो चुका है, इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब इस स्टेज पर आप इसको चला लें अच्छे तरीके से और मिक्स कर लें। तो अब यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो ही रखें, क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे ना, तो चीनी जो है ना, ये काफ़ी जल्दी कैरेमलाइज हो जाता है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है जल्दी से, और फिर ना ये हल्का सा कड़वापन भी ले लेता है। तो आपको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और आप देख सकते हैं चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस अब मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि गर्म है, अभी और भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज पर यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 करछी के करीब दूध ऐड कर दिया है और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये मिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे इसको जैसे मिक्स करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दूध में मेल्ट हो जाएगा। अगर मेल्ट होने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें, गैस की फ्लेम को ना लो कर लें और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। अच्छा, मैंने इसको ना हल्का सा टेस्ट किया था ना, जैसे कॉफ़ी वाइट की टॉफ़ी होती है ना, इसका फ्लेवर वैसा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसे हम कढ़ाई वाले दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, दूध का कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए ना, तो आप चीनी को थोड़ा देर और कैरेमलाइज कर लें। तो अब क्या करेंगे ना, मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ले लिया है और इससे मैं दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, चला लूँगी, जिससे इसमें दूध में ना बहुत ही अच्छा से झाग आ जाएंगे और जो मिष्टी दोई है ना, काफ़ी बढ़िया बन करके तैयार होगा। चलिए तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें झाग भी आ चुके हैं। अब देखते हैं हम दही को। तो दही देखिए, आप दही भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है।
तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और जो ये जो पानी है ना, इसको आप फेंकिएगा नहीं, जो भी आप ग्रेवी की सब्ज़ी बनाएंगे ना उसमें ऐड कर दीजिए। और इस दही को अब हम बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसका टेक्सचर ना काफ़ी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर हो चुका है। बस अब क्या करेंगे, इसमें से ना 2 बड़े चम्मच के करीब दही को हम दूध में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप दही को डालने से पहले दूध को चेक कर लें, दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, मतलब जैसा हम दूध जमाते हैं ना घर में हल्का गुनगुना, उस तरीके का दूध होना चाहिए। दूध अगर ठंडा हो चुका है तो आप गैस को ऑन कर करके दूध को हल्का गुनगुना कर लें और फिर इसके बाद उसमें दही ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ना एक थाली ले ली है और इस पे ना ये शॉल है, गरम शॉल वो रख दिया है। तो आप शॉल की जगह तौलिए का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मिष्टी दोई बनाने के लिए ये हांडी सी ले ली है और इसमें ना दूध को ऐड कर दिया है। अब दूध को ना मैं थोड़ा ऊंचाई से डाल रही हूँ जिससे इसमें झाग आ जाएंगे इस तरीके से। और अब इसको हम ये एल्युमिनियम फॉइल आती है उससे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा बर्तन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना ये कुल्हड़ ले लिया है और अब मैं कुल्हड़ में भी इसी तरीके से दूध को ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ना ऊंचाई से ऐड करेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं, देखिए इसमें भी झाग बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसे भी ना हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इसी तरीके से आप दूध को जिसमें भी जमाना चाहें उसमें जमा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके के बर्तन का यूज़ करें, स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दही जो है अच्छा लगता है ना, उसका फ्लेवर आ जाता है। और इसी तरीके से मैंने ये दूसरा जो कुल्हड़ है ना उसको भी सेट कर लिया है, कवर करके इसे रख देंगे। तो गर्मी है, गर्मियों में तो 6 से 7 घंटे में दही जम जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर जम जाए तो ठीक है, नहीं जमे तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए और रख दीजिए या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने शॉल से ना इसको अच्छे तरीके से ढक दिया है। अब आप इसको ना बिल्कुल भी टच मत करिए, जैसा है बिल्कुल उसी तरीके से इसे रख करके छोड़ दीजिए। चलिए तो 7 घंटे हो चुके हैं, 7 घंटे बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा दही बन करके तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो मिष्टी दही है ना जम गया है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया। इसमें देखिए मैंने इसको दूध को ऊंचाई से डाला था ना, इसमें झाग से दिखाई भी दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। और इसको भी देख लेते हैं और देखिए ये भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से दही जम करके तैयार हो चुका है। चलिए तो अभी इसको हम खाएंगे नहीं क्योंकि इसको ना थोड़ा ठंडा करके खाया जाता है। तो इसको मैंने दोबारा से कवर कर दिया है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रख दीजिए, अगर आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो आधा घंटा काफ़ी है। आधा घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया है दही को और आधा घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा दही जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। चलिए आधा घंटा हो चुका है तो मैंने दही को बाहर निकाल लिया है फ्रीजर से। और अब देखते हैं हम अपना, ये देखिए कितना बढ़िया आ गया, लेकिन इस पर हल्का सा कलर कम है क्योंकि मैंने ज़्यादा चीनी को कैरेमलाइज़ नहीं किया था। और ये देखिए हमारा जो मिष्टी दोई है बन करके तैयार हो चुका है। परफेक्ट मिष्टी दोई की पहचान होती है कि अगर आप बर्तन को उल्टा कर भी देंगे ना, मिष्टी दोई बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा और आप देख भी सकते हैं। चलिए तो मैं अब आपको ना इसे कट करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपको समझ आ रहा होगा देखने से कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी लगा है ना, गाढ़ा गाढ़ा एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को एक बार तो ट्राई करना बनता है। और आप देख सकते हैं कुल्हड़ की भी मिष्टी दोई को, कि इसमें ना बिल्कुल भी पानी नहीं आया है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरे कुल्हड़ का भी दिखा रही हूँ और ये देखिए इसमें से भी बिल्कुल भी है ना दही जो है टस से मस नहीं हुआ है। और देख सकते हैं मतलब इसमें ना जो मलाई है ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। और ये भी देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।